नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर कफील को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं कफील खान की किताब में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि अस्पतालों में बच्चों को बचाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कफील खान की पुस्तक का विमोचन भी किया। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर अनुप्रिया पटेल और बहन पल्लवी पटेल की पार्टियों के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दोनों के संगठनों की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चले। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि उन्होंने जयंती समारोह के लिए जितने भी स्थानों को बुक करवाया था, उन सभी स्थानों की बुकिंग जानबूझकर कैंसिल करा दी गई। पल्लवी के संगठन ने इस मामले की शिकायत को लेकर सीएम योगी तक भी जाने की बात कही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां राशन डीलर के चुनाव में धांधली करते हुए फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसकी सीडी बनवाकर जिलाधिकारी को दे दी गई है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी और सीपी सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में आज मुरादाबाद की सड़कों पर करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता उतर आए और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुरादाबाद के नारे भी लगाए। मेरा नाम ठाकुर अखिलेश सिंह कठेरिया, जिला अध्यक्ष करणी सेना मुरादाबाद का। प्रदर्शन था जो उदयपुर में घटना हुई है, कन्हैया लाल की हत्या हुई जिस तरीके से, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था। क्योंकि हमें लगता है कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, कारोबार में सुरक्षित नहीं है। ये लोग हमारे कारोबार तक आ चुके हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे क्या, दुकानें नहीं चलाएंगे क्या? जिस तरीके से नापा दे रहे हैं धोखे से, अगर इतना ही दम है तो सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन इस तरह धोखे से जो कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है। अरे हम तो कभी डरने वाले नहीं है, हिंदू कभी डरा है क्या? महाराणा प्रताप 1,00,000 सेना लेकर 8,000 सेना लेकर के आते थे, अकबर 80,000 सेना लेकर के आता था, तब नहीं डरे। अब तो हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह से जो धोखे से कर रहे हैं, जो एक जो खौफ जो पैदा करना चाह रहे हैं, बस ये क्या करना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? खबर औरैया से है, जहां थाना एरवाकटरा पुलिस को चेकिंग के दौरान मानसिक रूप से दिव्यांग बालक भटकता हुआ दिखा, जिसे पुलिस ने स्थानीय थाने पर लाकर जानकारी की, पर मानसिक दिव्यांग होने की वजह से वो कोई जानकारी नहीं दे पाई, जिसके बाद पुलिस के कड़ी मशक्कतों के बाद देर शाम तक जानकारी करने पर बच्चे की पहचान हुई और बच्चे को सकुशल उसके माता पिता को लौटाया। खबर बिजनौर से है, जहां वृहद स्तर पर चलने वाले अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में एसडीएम प्रशासन और पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों और आम जनमानस को शपथ दिलाई। वहीं स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों खिलाड़ियों और जनमानस ने एनवायरमेंट को बचाने के लिए शपथ ग्रहण की। खबर यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है, जहां लागड़ रेंज की रिहायशी इलाकों में टाइगर की मूवमेंट होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। टाइगर अटैक ना कर दे, इसकी वजह से लोगों ने जंगल जाना छोड़ दिया है। हालांकि वन विभाग के अफसरों ने वन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है, साथ ही अकेले जाने की हिदायत ना जाने की हिदायत देते हुए भीड़ के साथ जाने की गाँव वालों से अपील करी है। हमें जो है ये उसका वास स्थल है, वहाँ पे अधिकतर कान से यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने जो भी लेपर्ड टाइगर दिख रहा है उसके लिए अपने स्टाफ की को सतर्क कर दिया है, एवं जो जनता है उसको सूचित किया जा रहा है कि आप अकेले दुकेले ना जाएं और समय से घर को चले जाएं।
खबर कानपुर से है, जहां नहरों का निर्माण इसलिए कराया गया था कि वो नदियों के जल को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सके। जिन जगह पर नदी नहीं पहुंची उन जगह पर भी पानी और सिंचाई की व्यवस्था हो, लेकिन शहर में सफाई ना होने की वजह से पनिकी से निकलने वाली बड़ी नहर नाले का रूप ले चुकी है, जिससे नहर के किनारे रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को संक्रामक बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है। कानपुर नगर निगम और जल संस्थान की लापरवाही बड़ी जो नजर आती सामने, और देखने कहने को केवल स्मार्ट सिटी है कानपुर। और आपको पता चला, अपने कैमरा पर्सन जीतू से कहना चाहता हूँ, दिखाए कि किस तरीके से पूरी जो नहर है, किस तरह से पूरा कूड़ा कचरा यहाँ भरा हुआ है, और जो मरे हुए जानवर मवेशी जो यहाँ पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से बदबू आती है। लोगों को यहाँ पे रहने वाले लोगों को साफ कहना है कि जो पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कि वो पूरा कूड़ा भरा हुआ नहर के अंदर, ये नहर कम इसको अगर कहा जाए तो नाले की तरीके पूरा बना हुआ है। और बताया जा रहा है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सालों से सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और एक देखा जाए पूर्वांचल क्षेत्र जो पड़ता है, जिसको बोलते हैं छठ मैया की पूजा होती है, केवल उसी दिन देखा जाए तो पूरी तरीके से पूजा यहाँ पे होती है, और उसके अलावा कोई जब नहर की सफाई देखा जाए तो पूरी तरीके से कहीं कभी होती ही नहीं है। और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को साफ कहना है कि क्षेत्रीय विधायक पार्षद लोगों के पास जाने के बाद उनका साफ कहना है कि जल निगम का जब बजट आएगा तब साफ होगा, साफ सफाई होगी, पर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे पूरे जो है बदबू जो है, यहाँ पे लोगों को रहना दुश्वार है यहाँ पे। और लोगों कई लोगों ने कंप्लेन भी किया, लिखित कंप्लेन भी है, उसके बावजूद भी है पूरी तरीके से यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही है। आइए आप लोगों को बताते हैं कि कुछ लोग यहाँ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अरविंद विश्वकर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि जो ये पूरे तस्वीर आपको देख रहे हैं सामने, यहाँ बदबू लोग पड़ी हुई है इतनी, सफाई कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पे? ये सिर्फ साल में एक बार सफाई होती है छठ पूजा वाले दिन, उससे पहले कोई साफ सफाई कुछ नहीं। शिकायत लेके जाओ, कोई शिकायत सुनी नहीं जाती, कहीं भी लेके चले जाओ। देखा जाए कहीं ना कहीं बिल्कुल क्षेत्रीय लोग जो है पूरी तरीके से परेशान हैं, और इनका साफ कहना है यहाँ पे कि इस गंदगी को लेकर के लोग यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ जो हैं, बहुत गंदी बीमारियाँ हो चुकी हैं लोगों को, यहाँ पे लोगों के इस गंदगी से बदबू से अस्थमा की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, और डायरिया देखा है तो पूरी तरीके से क्षेत्र को जो है कवरेज करा हुआ है। कैमरा पर्सन जीतू यादव साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। खबर बदायूं से है, जहां बिसोली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके माता पिता दवा लेने गए हुए थे, देर शाम हो जाने के बाद वो एक रिश्तेदार के यहां रात में रुक गए, जिसका फायदा उठाते हुए युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम दवाई लेने गए, हम अवेरे गए, हम रिश्तेदारी में रुक गए, दवाई लड़की घर में से आई कचरा लेने को, करीब 10 बजे टाइम पे, फिर एक लड़का ने आके पकड़ ले, उसके साथ बलात्कार कर दिया, फिर बलात्कार करके चला गया, फिर हमारी लड़की ने हमें फ़ोन किया, तो फिर हमने ऐसे बारे नंबर भेजी, फिर वो समझा के चली गई और कह के गई कि हमसे भी बात गई, तो हमसे कह के गई कि वो भी सुबह आके तारीख दे देना। खबर मुरादाबाद से है, जहां के मझोला थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर मंडी समिति के पीछे रहने वाले कॉर्पोरेट ने अपने भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पूरा मामला ये है कि पीड़ित का भतीजा आए दिन गाली गलौज करता है और मकान का बैनामा भी अपने नाम पर करवाने के लिए कहता रहता है। पीड़ित इस संबंध में 2 प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत करने पर उसे जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। वहीं उसने कहा कि अगर उसकी शिकायत नहीं सुनी गई तो वो आत्महत्या कर लेगा, जिसका जिम्मेदार मेरा भतीजा और उसकी पत्नी और उसकी माँ होगी। भतीजा है हमारा, भतीजा हाँ। किस बात को लेकर गला घोटा, क्या वजह है? वजह ये है, कुछ जोहारी है साहब, 60,000 रुपया हार गया और मुझसे पैसे मांगे, मुझ पर नहीं है पैसे तो मैं कहाँ से दूंगा। जमीन का क्या मामला है? जमीन का जमीन जो मैंने की खाली कर, खाली नहीं कर रहा मैंने की। तो चाचा ने
भतीजे पर आरोप लगाया है। मुरादाबाद से ये सामने आया है मामला, जहां भतीजे ने जान से मारने की धमकी दी है व्यक्ति को, और व्यक्ति का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि जमीन के बैनामे को लेकर विवाद चल रहा है, और चाचा ने भतीजे पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, अगर उसकी शिकायत नहीं सुनी गई तो वो आत्महत्या कर लेगा और उसका जिम्मेदार भतीजा और उसका परिवार होगा। तो सीधे तौर पे भतीजे के ऊपर आरोप लगाते हुए चाचा नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां चाचा ने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीतम नगर मंडी समिति के पीछे रहने वाले कारपेंटर ने अपने भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।